अच्छा पहले हम लोग लेक्चर ले लेंगे, देन उसके बाद फिर हम वाले पेपर के हवाले से डिस्कस करेंगे। अच्छा जी, तो अभी जो हमने डिस्कशन करनी है वो है रिगार्डिंग वर्चुअलाइजेशन के ऊपर। वर्चुअलाइजेशन की अगर बात करें तो आप लोगों ने, मेजॉरिटी लोगों ने काफ़ी चीज़ें वर्चुअलाइजेशन की इस्तेमाल की भी होंगी, जैसे वर्चुअल डेस्कटॉप या वर्चुअल मशीन के नाम से कोई सॉफ्टवेयर वगैरह इस्तेमाल किया होगा। यस सर। तो ठीक है, तो अगर वर्चुअलाइजेशन की बात करें तो इसको, अगर इसके बैकग्राउंड की बात करें तो नो डाउट IBM सिस्टम ने अपना जो 1964 में जो OS 360 के नाम से इंट्रोड्यूस किया था, उसके अंदर इसको इंट्रोड्यूस करवाया गया था। वैसे इसकी जो अगर रिसर्च के बारे में बात करें तो अर्ली 1950s के अंदर इसके ऊपर रिसर्च शुरू हो गई थी। जो ऑपरेटिंग सिस्टम था IBM का 360 के नाम से, OS 360 के नाम से, उसके अंदर बेसिकली मल्टी प्रोग्रामिंग बेस्ड सपोर्ट थी इसकी वर्चुअलाइजेशन की। देन इसको हम लोग काफ़ी इसके अंदर इम्प्रूवमेंट आती रही, जैसे MVS के नाम से या OS 390 या ZOS के नाम से। देन उसमें काफ़ी ज़्यादा मल्टी प्रोग्रामिंग के ऊपर इसको इम्प्रूव किया गया था। देन जावा बेस्ड वर्चुअल मशीन्स भी हमारे पास मिलती हैं, VPNs भी हैं, देन हमारे पास वर्चुअलाइजेशन स्टोरेज बेस भी होती है। पर अगर हम लोग प्लेटफॉर्म्स के हवाले से बात करें तो ये जो जावा VM है या VPN है या स्टोरेज की जो वर्चुअलाइजेशन है, ये हमारे पास सर्वर बेस्ड वर्चुअलाइजेशन है। अगर हमने प्लेटफॉर्म वर्चुअलाइजेशन या डेस्कटॉप वर्चुअलाइजेशन करनी हो, देन हमारे पास वहाँ पे कुछ सॉफ्टवेयर्स आते हैं, देन वो डेवलप हुए, जैसे VMware है वर्चुअल डेस्कटॉप के नाम से है या वर्चुअल बॉक्स के नाम से है। तो वर्चुअलाइजेशन जो है वो काफ़ी अरसे से एग्जिस्ट करती थी, ऐसा नहीं है कि अभी कोई नई टर्म है, मगर लास्ट 5 to 10 ईयर्स के अंदर वर्चुअलाइजेशन के ऊपर बहुत ज़्यादा ग्रोथ हुई है। रीज़न ये है कि जो सर्वर्स हैं या सिक्योरिटी जो उनकी VPNs की वजह से काफ़ी ज़्यादा इसमें ग्रोथ आई है। अच्छा, वर्चुअलाइजेशन की अगर बात करें, वर्चुअलाइजेशन होती क्या है, तो वर्चुअलाइजेशन का मतलब ये होता है कि आपने जो फिज़िकल रिसोर्सेज हैं आपके पास वो उतनी ही रहेंगी, मगर आपने उनके लिए वर्चुअल CPUs या वर्चुअल मेमोरीज या जो रिसोर्सेज हैं उनको आपने वर्चुअली तौर पे डिवाइड करके देन उनको यूटिलाइज करना है। तो बेसिकली आपके पास ये एक एब्स्ट्रैक्शन प्रोवाइड की जाती है बिटवीन द फिजिकल रिसोर्सेज। जैसे वर्चुअलाइजेशन कैसे हो सकती है, तो वर्चुअल CPUs बन सकते हैं, वर्चुअल मेमोरीज बन सकती हैं। ठीक है, वर्चुअल CPUs होंगे तो उसमें हमारे पास होगा CPU एक ही, मगर उसको वो 2 या 3 CPUs की बेस की तरह काम करेगा। जो वर्चुअल मेमोरी होगी उसके अंदर यूनिफॉर्म एक्सेस या कंटिन्यूस एड्रेसिंग जो होगी वो हम लोग सेपरेट कर लेंगे, और जो सेपरेटरी स्टोरेज होंगे उनकी अलग अलग एड्रेसिंग कर देंगे। जैसे आपने कभी नेटवर्क के अंदर पढ़ा होगा कि पोर्ट मैपिंग कर दी जाती है, कि हम लोग कुछ पोर्ट्स असाइन कर देते हैं, कि सपोज़ VPN बनाना हो या VLAN बनाना हो तो उधर हम लोग कुछ पोर्ट बेस्ड VLAN बना देते हैं, ताकि आपके पास अगर पोर्ट नंबर 1 से लेके पोर्ट नंबर 2 तक जो है हार्डवेयर बेस्ड वर्चुअलाइजेशन इस तरह की जा सकती है, कि आप कुछ जो हार्डवेयर रिसोर्सेज हैं उनको आप कंटिन्यूस एड्रेसिंग प्रोवाइड कर दें, कि सपोज़ एड्रेस नंबर 1 से लेके एड्रेस नंबर 10 तक जो है वो आपके पास पहला जो होगा वर्चुअल मेमोरी वो इस्तेमाल करेगी, देन दूसरी जो वर्चुअल मेमोरी होगी एक ही मेमोरी को डिवाइड कर दें दो के अंदर। तो इस तरह आप कर सकते हैं। देन अगर स्टोरेज की वर्चुअलाइजेशन की बात करें तो उसमें हमारे पास डेस्क या टेप्स की बेस के ऊपर भी वर्चुअलाइजेशन होती है। देन नेटवर्क के अंदर बात करें तो VPNs बनते हैं। ठीक है, VPNs का तो सबको आइडिया है ना? जी सर। तो एग्जैक्टली वही चीज़ यहाँ पे वर्चुअलाइजेशन की हमारी उससे मुराद है। अगर एप्लीकेशन की वर्चुअलाइजेशन की बात करें तो जैसे डेटाबेस है, डेटाबेसेस की एग्जांपल हम लोग ले सकते हैं। ठीक है, वर्चुअलाइजेशन की ज़रूरत क्यों पड़ती है, वो इस तरह से पड़ती है कि आपने या तो सर्वर के अंदर कोई आइसोलेशन प्रोवाइड करनी हो, कि सपोज़ अगर एरर आ जाए तो उसकी कुछ पार्ट ऑफ रिसोर्सेज को वो अफेक्ट ना करे रहे। तो इस वजह से हम लोग आइसोलेशन भी प्रोवाइड करते हैं, इस वजह से हमें फिर वर्चुअलाइजेशन की ज़रूरत पड़ती है, ताकि अगर एरर आए तो जो रिसोर्सेज हैं सारी रिसोर्सेज के ऊपर ना उसका कोई इम्प्लिकेशन हो, सिर्फ कुछ पार्ट ऑफ रिसोर्सेज या जो उसको डील कर रही हैं वही अफेक्ट हो और ओवरऑल जो रिसोर्सेज हैं वो ख़राब ना हो।
जो विजुअलाइजेशन है वो हमारे पास डिफरेंट एप्लीकेशन या डिफरेंट ऑपरेटिंग सिस्टम जो होते हैं वो फिजिकल हार्डवेयर को एक ही हार्डवेयर में शेयर कर रहे हो। जैसे सपोज अभी आपके पास एक मशीन है या लैपटॉप है या डेस्कटॉप है, उस उसका हार्डवेयर आप चेंज नहीं करना चाहते, मगर आप चाहते हो कि उस हार्डवेयर को यूटिलाइज करते हुए मल्टीपल ऑपरेटिंग सिस्टम आपके पास उस पर चल सके। तो ये बेसिकली आपके पास विजुअलाइजेशन जो है फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करती है यूजर्स को डिफरेंट ऑपरेटिंग सिस्टम या डिफरेंट एप्लीकेशन को एक साथ रन करने के लिए, कन्फिगर करने के लिए। देन हम लोग वर्चुअलाइजेशन जो है वो ऑन डिमांड भी करते हैं, कि जैसे वीपीएन जो बनाया जाता है वो ऑन डिमांड बनाया जाता है, कि अगर वीपीएन कहीं पे ज़रूरत है देन उसको बनाया जाता है। और दूसरा ये कि जब हम लोग माइग्रेशन करते हैं तो उस वक्त हमें फॉल्ट टॉलरेंस या लाइव अपडेट्स ऑप्टिमाइजेशन परफॉर्मेंस करनी है, इस वजह से भी हम लोग वर्चुअलाइजेशन करते हैं। या जैसे अगर आपने कोई नया ऑप्शन बनाना हो या उसके हवाले से कोई रिसर्च करनी हो तो आपके पास हार्डवेयर वही है मगर आप उसमें नया ऑपरेटिंग सिस्टम बनाना चाहते हो, तो देन उस वक्त हम लोग वर्चुअलाइजेशन करते हैं, तो हम नया ऑपरेटिंग सिस्टम को टेस्ट रन कर सकते हैं। तो ये हमारे पास R&D के अंदर से हेल्प प्रोवाइड करता है। देन अगर वर्चुअलाइजेशन की बात करें, जो के अंदर की जाती है वो है हमारे पास प्लेटफॉर्म वर्चुअलाइजेशन या पहले टाइप की जो है। उसके अलावा हमारे पास प्लेटफॉर्म वर्चुअलाइजेशन के अंदर मजीद डिफरेंट टाइप्स हैं। प्लेटफॉर्म वर्चुअलाइजेशन बेसिकली आपके पास ऑपरेटिंग सिस्टम और जो प्लेटफॉर्म के रिसोर्सेज होते हैं उनके दरमियान में एक लेयर किस्म की होती है। वो आपके पास इसकी पर मजीद काइंड जैसे फुल वर्चुअलाइजेशन या हार्डवेयर असिस्टेड वर्चुअलाइजेशन, ये जो है हमारे पास फिर डिफरेंट टाइप की है, मगर प्लेटफॉर्म वर्चुअलाइजेशन हमारे पास होती है। इसके अलावा हमारे पास एप्लीकेशन वर्चुअलाइजेशन होती है। अगर वर्चुअलाइजेशन की प्रोडक्ट्स की बात करें जो ज़्यादातर यूज़ हो रही हैं, तो ओरेकल का जो वर्चुअल बॉक्स है वो इस्तेमाल हो रहा है, ठीक है, या VMware है, काफ़ी लोगों ने इस्तेमाल किया होगा आपकी क्लास में से, या कर्नल बेस्ड जो वर्चुअल मशीन है रेड हैट की वो इस्तेमाल की जाती है, या पैरेलल्स के नाम से मैक अगर जो लोग इस्तेमाल करते हैं उधर है। तो ये हमारे पास कुछ प्रोडक्ट्स हैं जो कि वर्चुअलाइजेशन की करंटली तौर पे अवेलेबल है यूजर्स के लिए। अगर बात करें प्लेटफॉर्म वर्चुअलाइजेशन कैसे काम करती है, जिसमें VMware आता है हमारे पास, VMware का सबको आइडिया है ना, इस्तेमाल किया हुआ है। जी सर। VMware में क्या होता है आपके पास? हाँ जी आदिल, क्या होता है VMware में? सर बेसिकली क्लाउड स्टोरेज होती है हमारे पास, इस पे जो मुझे थोड़ी बहुत बैकग्राउंड हुआ है। सर VMware के अपना वर्चुअल मशीनें बनाते हैं, उनको रिसोर्स जी एलोकेट करते हैं, टेस्टिंग लाइक स्ट्रीम करना चाहे तो उसके हम अंदर सिस्टम करते हैं। ठीक हो गया, दोनों की बातें ठीक है। क्लाउड के अलावा इसमें क्लाउड इतनी नहीं है मगर नो डाउट क्लाउड से बनाया जा सकता है, वो है क्लाउड कंप्यूटिंग है। इसमें ये आपके पास हार्डवेयर असिस्टेड वर्चुअलाइजेशन है या जिसको हम लोग हार्डवेयर वर्चुअलाइजेशन कहते हैं वो है। अगर आपने VMware इस्तेमाल नहीं करेंगे या विदाउट वर्चुअलाइजेशन कैसे आपके पास सिस्टम होगा, कि आपके पास जस्ट एक आपके पास जस्ट एक ये सिंपल सा एक ऑपरेटिंग सिस्टम होगा, देन इसके अंदर कोई एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर चल रहा होगा उसका, फिर एक आर्किटेक्चर को हार्डवेयर लेवल का, ये आपके पास विदाउट मशीन होगा काम कर रहा होगा। मगर जैसे ही आप वर्चुअलाइजेशन करते हो तो क्या होगा, तो ये होगा कि ऑपरेटिंग सिस्टम उनके दरमियान के लिए VMware बैठेगी। VMware आप यूजर को इस तरह से कमांड प्रोवाइड कर देगी, फ्लेक्सिबिलिटी या कमांड प्रोवाइड कर देगी कि वो अपनी मर्जी का ऑपरेटिंग सिस्टम उस हार्डवेयर के ऊपर रन कर सके, ठीक है। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो कि आप मल्टीपल ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो रन करते हो, देन यूजर को जो एक्सपीरियंस मिलता है वो ये है कि यूजर को लगता है ये कि मैं मेरे जो ऑपरेटिंग सिस्टम है उसके लिए अलग से रिसोर्स एलोकेट कर दी गई है, या अलग से उसको उसको एक अलग तरह की फील आती है कि उसको लगता है कि बस मैंने जो है वो मल्टी ऑपरेटिंग सिस्टम इस्तेमाल कर रहा हूँ और मुझे जो रिसोर्सेज हैं सारी मिल रही हैं। ऐसा नहीं होता, कुछ कुछ रिसोर्सेज को मिलती हैं, जैसे डिस्क स्पेस वगैरह है तो उसको सारी नहीं मिलती, उसमें कुछ अमाउंट ऑफ डिस्क स्पेस मिलती है। तो जो VMware है वो हमारे पास
सेम फिजिकल मशीन के ऊपर ही आपको बेसिकली आइसोलेशन प्रोवाइड कर देता है कि आप मल्टीपल एप्लीकेशन या मल्टीपल ऑपरेटिंग सिस्टम उसके ऊपर रन कर सकते हो। देन उनको मैनेज भी करता है VMware की जो वर्चुअलाइजेशन लेयर है ना, मैनेज इन अ सेंस कि चूंकि आपके पास मेमोरी जो हार्डवेयर की मेमोरी वो तो एक है, मगर इधर बेसिकली वो दो हिस्सों में डिवाइड हुई होगी, अगर दो ऑपरेटिंग सिस्टम है या जितने भी ऑपरेटिंग सिस्टम हैं उनके अंदर डिवाइड हो रही होगी, तो उसकी मैनेजमेंट करना कि कौन से कंटेंट किधर किस ऑपरेटिंग सिस्टम में राइट किए हैं, उनकी मैनेजमेंट जो है वो VMware की विजुलाइजेशन लेयर करती है। देन अगर इसकी बात करें तो पहली जो की प्रॉपर्टी है VM वर्चुअल मशीन्स की या VMware बेस की, आपके पास पार्टिशनिंग है। पार्टिशनिंग वही कि आपके पास एक फिजिकल सिस्टम के ऊपर आपने मल्टीपल ऑपरेटिंग सिस्टम रन किए हुए, तो इस केस में वो जो सिस्टम के रिसोर्सेज होंगी उनको डिवाइड कर देगा। तो जब वो डिवाइड करेगा बेसिकली वो पार्टीशन कर रहा होगा कि इतनी ये डिस्क स्पेस या इतनी रिसोर्सेज जो है वो OS 1 के लिए हैं, देन दूसरी देन रिमेनिंग जो है OS 2 के लिए, तो उनकी जो पार्टीशनिंग करेगा वो आपके पास वर्चुअल लेयर करेगी। देन अगर प्रॉपर्टीज़ की बात करें तो पार्टीशनिंग के अलावा जो उसकी प्रॉपर्टीज़ हैं वो आपके पास आइसोलेशन की है। आइसोलेशन की इस तरह ये है कि सपोज आपके पास चार ऑपरेटिंग सिस्टम एक मशीन के ऊपर रन कर रहे हैं VMware के अंदर, किसी एक ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर कोई फॉल्ट या बग या कोई कह लें वायरस वगैरह आ गया, तो उसका इफेक्ट बाकी ऑपरेटिंग सिस्टम जो उसके अंदर हैं उनके ऊपर नहीं होगा। जैसे आप इधर एग्जांपल में देख सकते हो कि यहाँ पे इस ये मशीन एक ही हार्डवेयर, ठीक है, इधर चार ऑपरेटिंग सिस्टम हैं OS 1, 2, 3, 4, ठीक है, जो बग है वो एक ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर आ गया, तो इसने ये इस वाले ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर आ गया, तो इसमें ये बग आ गया, तो इसका इफेक्ट, इस बग का इफेक्ट या इस वायरस का इफेक्ट जो है बाकी ऑपरेटिंग सिस्टम पे नहीं चल रहा, क्योंकि इसके अंदर जो हार्डवेयर रिसोर्सेज हैं उनको प्रिजर्व किया हुआ है बाकी उनके लिए भी। तो इस वजह से आपके पास आइसोलेशन की वजह से जो बग है या जो वायरस है वो बाकी ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर ट्रेवल नहीं कर सकता या उसमें पेनिट्रेट नहीं कर सकता। थर्ड जो उसकी की प्रॉपर्टी है वो आपके पास इनकैप्सुलेशन की है। समझ आ रही है, कोई सवाल है तो पूछ लें अभी। सर अब तक तो क्लियर है। सर ये जो पार्टिशनिंग है ये तो हम रिसोर्स एलोकेशन अपनी मर्जी से करते हैं, जितने मर्जी से एक किसी वर्चुअल मशीन को एलोकेट कर सकते हैं। बिल्कुल ऐसी है, यूजर एक बाय डिफॉल्ट सेटिंग होती है, यूजर उससे कम या ज्यादा कर सकता, सॉरी ज्यादा कर सकता है, उससे कम नहीं कर सकता ना। अगर आपने VMware इस्तेमाल किया तो उसमें जो ही आप एक नई ऑपरेटिंग सिस्टम उसके ऊपर इंस्टॉल करते हो तो वो आपसे पूछते हैं आपने उसको कितनी डिस्क स्पेस और कितनी रैम वगैरह आपने एलोकेट कर दी है, तो अगर आप नहीं करते तो वो बाय डिफॉल्ट जो सेटिंग्स है वो प्रोवाइड कर देता है इधर को। सर लेकिन लिमिटेशंस तो होगी इस पे भी कोई? यस यस, लिमिटेशंस हैं। फिजिकल सिस्टम से ज्यादा नहीं दे सकते। बिल्कुल, आप फिजिकल सिस्टम से किसी भी सूरत में ज्यादा नहीं दे सकते। यस सर, उसकी लिमिटेशन ही यही है कि आप सर वो ये नहीं करता कि जो हमारे रिसोर्सेज जो एलोकेट हुआ जो हमारे फिजिकल सिस्टम को जो उस पर यूज कर रहा है, like जो विंडोज जो रिसोर्सेज यूज कर रही है उनके अलावा जो बचत है उनको डिवीजन करके देता है। यस एग्जैक्टली, वो बिल्कुल बिल्कुल वो यही करता है, मगर यूजर को एक्सपीरियंस ऐसा नहीं होता सर। यूजर को लगता है कि उसको डेडिकेटेड चीजें मिल रही हैं जबकि वो शेयर्ड हुई हुई होती हैं चीजें। इवन अगर आप सपोज मैं ये कहता हूँ कि आपने VMware इंस्टॉल किया, उसमें आपने आपकी जो डी ड्राइव थी उसमें सपोज 50 GB थी, 50 GB में से आपने एक नया ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल किया, लेट सपोज कि आपने काली लिनक्स से इंस्टॉल किया और आपने काली को जो है वो 12 GB दे दिया, तो 50 में से 12 GB जो है वो आपने काली के लिए डेडिकेट कर दिया डी ड्राइव में से। अब क्या होगा, आपने काली वगैरह इस्तेमाल किया महीना दो, आपका दिल ख़त्म हो गया, आपने कहा चलो छोड़ो इसको अनइंस्टॉल करता हूँ। जी आप उसको अनइंस्टॉल करोगे ना तो वो जो डाटा था या जो जो चीज़ें आपने जो फाइल्स या जितना भी आपने डाटा स्टोर किया था उस 12 GB के अंदर जो काली का था वो आपका कहीं पे भी नहीं जाता, वो डिलीट नहीं होता, वो जो आपने डी ड्राइव के अंदर बेसिकली उसके अंदर जो पार्टिशनिंग की थी या जो उसके अंदर आपने कह लो कि आइसोलेशन प्रोवाइड की थी उधर आपके पास एक फोल्डर के नाम से सेव हो जाता है VMware में, ये प्रोवाइड किया जाता है। इसी तरह आप फिर अपनी फिजिकल रिसोर्स को मजीद भी डिवाइड कर सकते हो। तो ये जो आइसोलेशन और पार्टिशनिंग है इस वजह से आपके पास जो एरर होता है किसी एक ऑपरेटिंग सिस्टम का वो दूसरे ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर इफेक्ट नहीं करता। एक्सक्यूज मी सर। जी जी सर, जैसे हमने अभी पार्टिशनिंग किया है, लेट्स सपोज मेरे पास 8 GB की रैम थी तो वो मैंने चार सिस्टम को एलोकेट की हुई थी और कुछ बाकी मेरे को फिजिकल सिस्टम में चल रही थी, तो अगर उस टाइम के ऊपर मुझे कोई और वो जो चार सिस्टम है जो वर्चुअल मशीन है वो चल रही हैं
और एक टाइम में अपने फिजिकल सिस्टम पे कोई ऐसा टास्क परफॉर्म करता है जो कि ज़रा इंटेंसिव है और वो रिसोर्सेज ज़्यादा ले रहा है, तो अगर उस टाइम पे जो एलोकेटेड रिसोर्सेज वर्चुअल मशीन के हैं उसको अगर वो जो फिजिकल एक्सीड करता है, क्या वो वर्चुअल से वापस ले रहेगा उस वक्त? यस या बिल्कुल, एरर करेगा। जो जो प्रायोरिटी है ना वो फिजिकल सिस्टम की रहेगी, फिर भी हाई, अगर फिजिकल सिस्टम को चाहिए वो रिसोर्सेज तो वो इस्तेमाल कर सकता है, तो उस टाइम पे वो जो वर्चुअल मशीन है वो हॉल्ट पे चली जाएगी, वो हॉल्ट पे चली जाती है, बिल्कुल ऐसी है। अच्छा अभी अजान हो रही है, फिर अजान के बाद हम इसको लेक्चर कंटिन्यू करते हैं। ओके सर, टाइम हुआ है 5:11, तो 5:30 पे वापस आके इसको कंटिन्यू करते हैं। सर आप रिकॉर्डिंग बस क्लोज कर दें। ठीक है ठीक है, ओके सर।